हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे होम टाउन वाले ब्लॉग देखे थे, तो जो मैं अब धीरे धीरे करके डाल रही हूँ क्योंकि देहरादून आए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और आपने वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्हें। तो गाइस, आगे भी मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज मैं अपने मायके आई हूँ और हम जा रहे हैं अभी ऋषिकेश, क्योंकि मेरी मतलब मुझसे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो आई है लुधियाना से, तो मम्मी ने बोला कि हम कहीं गए नहीं हैं उसे घुमाने के लिए, तो हम ऋषिकेश चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सब ऋषिकेश के लिए, अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, बस ड्राइवर भैया आने वाले बाकी हैं, तो अभी हम उनका ही वेट कर रहे हैं तैयार होके। तो सो गाइस, जैसा भी होगा ब्लॉग में मैं आपको देहरादून से ऋषिकेश तक का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी, और शायद ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए तो मैं इसे पार्ट में डिवाइड कर दूंगी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, और ऐसी प्यार और सपोर्ट देते रहिए जैसे अभी आपने मेरे अभी तक के ब्लॉगों को दिया है। सो गाइस, चलिए पहले चलते हैं, फिर उसके बाद आगे बातें करते हैं, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो गाइस, हम फाइनली सब तैयार हो चुके हैं, मैं, मम्मी, शानू, हेलो, और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर, मतलब मुझसे बड़ी, और अनुदी से छोटी, और पापा। सो गाइस, अभी हमने डिसाइड किया कि पहले हम जाएंगे नीलकंठ, और ये हम सब रेडी हैं, ये हमारी धन्नो, सब गाड़ी में बैठने के लिए फटाफट जा रहे हैं सीट ढूंढने के लिए हैं। और अभी मैं, चलो मैं तो अभी सब आगे गाइस, अभी हम जॉली ग्रांड से थोड़ा आगे निकले, मतलब अभी यहाँ से ऋषिकेश 15 किलोमीटर और होगा, और अभी मम्मी और लोग लेने गए हैं थोड़ा कुछ सामान कि हमें रास्ते में खाने पीने के लिए थोड़ा सामान लेने गए हैं। और थोड़ी थोड़ी आपने अभी ग्रीनरी देखी आते आते हमारे, जो बीच बीच में, क्योंकि मैं पीछे बैठी थी इतना साफ क्लियर नहीं आ पा रहा, लेकिन बहुत ही आज का मौसम, वैसे धूप हो रही है काफ़ी तेज़, लेकिन गाड़ी में भी पता नहीं चल रहा क्योंकि एसी चल रहा है ना, तो जब हम वहाँ उतरेंगे मुझे लगता है तब हमें एकदम से धूप लगेगी, अभी तो फिलहाल सब सही है। तो इसलिए मैंने धूप से बचने के लिए सानी के लिए कैप, और अपने लिए कैप और सनग्लासेस वगैरह सारी चीज़ें रख ली है। सनस्क्रीन तो हम लगा के आए थे खैर घर से, अब वहाँ जाके सनस्क्रीन हमारा काम करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता अभी तक। सानवी की नींद हो चुकी है पूरी, उसे लगा कि हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी जैसी रुकी ना उसे लगा हम पहुंच चुके हैं, इसलिए वो उठ गई है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आगे आगे चलते चलते क्या क्या होगा, है ना। मैं तो सनस्क्रीन लगा के आई हूँ, लेकिन हिमा दी बोल रही है मैं नहीं लगा के आई, हिमा दी अभी फेयरवेल ब्लब क्या इनने मेरे को बताया नहीं, इसलिए मैं, मेरे को ना कॉल करने के पूरे इरादे पे हैं। फेयरवेल कोई नहीं, मैं और मेरी बेटी बिल्कुल भी सनस्क्रीन नहीं लगा के, सनवी ने भी तो नहीं लगाई सनस्क्रीन, है ना। हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। अभी वो नींद से उठ रही है ना, तो इसका भी इतना फोकस नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, ये दोनों काले हो भी गए तो मैं काली नहीं होनी चाहिए। लिमका टाइम, सफर में लिमका पीने का मजा ही कुछ और है। पापा उधर चले गए हैं लिमका पीने के लिए, देखो लगी। ऋषिकेश पहुंचने के बाद अब हम निकल चुके हैं मतलब नीलकंठ के लिए, और थोड़ा रास्ता वैसे सही है, रास्ता इतना बेकार नहीं है, बस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां आ रही है जा रही है, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो लोग घूमने फिरने के लिए निकल ही जाते हैं हमारी तरह ही, जैसे हम निकल गए तो वैसी गाड़ियाँ काफ़ी आ रही जा रही है, हमारी स्लो में चल रही है गाड़ी, नॉर्मल ज़्यादा हाई स्पीड की गाड़ी का हम, तो देखते अभी कहाँ तक पहुँचा हुआ निकल। तो गाइस, जब हम ऋषिकेश पहुँचे थे तो हमें जगह का कोई आइडिया नहीं था, हम पूछ पूछ के आए थे, तब अब हम 5 किलोमीटर
मतलब आगे आ चुके हैं। नीलकंठ 5 किलोमीटर पीछे रही है और हम 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। जब हम यहाँ पे चाय के लिए रुके थे तब वो भैया ने बोला कि तुम 5 किलोमीटर आगे आ चुके हो। और सानवी की, सानवी ने पहली बार उल्टी कर दी है, मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं। हिमाली की तो दुपट्टा हुआ है तब भी ये चिल्ला रही है, और मैं तो क्या ही करूँ। सानू की तो उल्टी करनी है, सानवी का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ नीचे नदी है जो ऋषिकेश को जा रही है, यहाँ नीचे राफ्टिंग करें ना, अगर आपका आवाज़ आ रही होगा तो चिल्ला रहे हैं राफ्टिंग करते हुए। वैसे दिख नहीं रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेड़ आ गए ना सामने से, नीचे नीचे आके दिखेंगे कहीं विष्णु भगवान में सवारी। यहाँ पे हमारे अपनी गाड़ी से ना 40 रुपये में टोल भी पड़ेगा यहाँ पे, जब हम नीलकंठ के लिए एंट्री करेंगे ना यहाँ से। अभी हम नीलकंठ के लिए ऐसे एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा 40 रुपये ने टोल में पा रहा हुआ। सो गाइज फाइनली हम भटकते पहुँच चुके हैं। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पूरा गाड़ियों में ना जाम लगा हुआ है। पता नहीं हमें भी गाड़ी पार्क करने की जगह मिलेगी कि नहीं। मुंडी हट हर जगह गाड़ियों के जाम ही जाम। सो गाइज आज हमने जहाँ पे अभी गाड़ी लगाई वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना है क्योंकि वहाँ से पर्सनल गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, शायद बुक करके जाती होंगी पर अभी वो तो नहीं जा रही बुकिंग वाली। 15 अगस्त तक है अभी नहीं जाएंगे, इससे पहले इसके बाद ही जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे धूप में लगे पड़े हैं जैसे हम वैसे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लोग बस यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करके पैदल ही चल रहे हैं। ऐसा लगी धूप लग गई, छाता लेके आई, अच्छा हुआ छाता लगे मम्मी और सानू। तो गाइस मुझे लगता है आज सूर्य देवता ने पूरी आँखें खोल ली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तड़तड़ाती। और मम्मी अभी शानू गई है पापा के पास, पहले थी वो मेरे पास फिर मम्मी के पास फिर पापा के पास, और बहुत ज़्यादा ठंडी धूप हो गई आज तो वाला सब पीछे से आ रहा है। 1 किलोमीटर वैसे धूप में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे तो कोई बात नहीं 1 ही किलोमीटर है, पर लेकिन जब इतनी तड़तड़ाती धूप हो तो 1 किलोमीटर भी ज़्यादा ही लगता है। ये यहाँ प्रसाद के लिए लगे हुए हैं, वहाँ से नीचे से प्रसाद वहाँ उधर खाने के लिए जाम बाद में। तो गाइस यहाँ मंदिर के पास, कभी मैंने मंदिर के पास इतना सस्ता सामान नहीं देखा, हर चीज़ 5 रुपये में 10 रुपये में आप पीछे लगी हुई है, हर चीज़ यहाँ सेल लगी हुई है सब चीज़ों की। और मंदिर के पास तो इतना सस्ता सामान कभी नहीं रहता, हमेशा ये लूटने के चक्कर में महंगा देते हैं। सो गाइस ये नीलकंठ का मंदिर का गेट, और यहाँ पे अभी शू वगैरह हम सब उतारते हैं जो जो लेके आए, और यहाँ से प्रसाद वगैरह जो लेना है वो लेते फिर चलते हैं। यहाँ से गेट से अंदर आके सीट ले नीचे तक आदमी का डमरू बहुत पसंद है, ये आते टाइम ऐसे मंदिर तक का। यहाँ का अंदर का पर्स और वहाँ से ऊपर जाने वाली सीढ़ी। तो अच्छा मैं पूछ कोई तो हम सब को पूछ मैं यहाँ तो बहुत भयंकर इतनी लंबी लाइन मैंने आज तक नहीं देखी।
आ जाने दे सही सुनो नीलकंठ महादेव के बारे में सब कुछ जो जो लिखा हुआ है दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं गाइस घर पर। सो गाइस हम नीलकंठ गए थे, जैसे कि आप भी हमारे साथ साथ ही जाते रहे वहाँ के गेट तक, लेकिन उसके अंदर कैमरा या कोई भी फोन या मतलब फोटो खींचना सख्त मना है, जिसकी वजह से मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाई, तो इसके लिए सॉरी। और सो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए, 1 किलोमीटर तो हम ये चल के गए। उसके बाद जो हमने 1.5 घंटे की लंबी लाइन थी वहाँ पे, मतलब वैसे गर्मी तो नहीं लग रही थी लेकिन इतनी लंबी लाइन, और हमारे हालात अभी गस्त हो चुके। हम ढूंढने चले हैं खाना कि हम कहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद हम आगे का सफ़र करेंगे, नहीं तो हम ये भी हो जाएंगे कहीं, क्योंकि आज मुझे पता नहीं आज क्या था, लेकिन इतनी लंबी लाइन और उसके बाद हमारी हालत थोड़ी अभी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि खड़े खड़े हमें 1.5 घंटा हो चुका है। हम 1 बजे लाइन में लगे थे, हम 2:30 बजे हम बाहर निकले वहाँ से दर्शन करके। सब चीज़ 10 रुपये में के लिए कर दे। के बाद थोड़ी जाना ही है, एनर्जी आ गई है पूरी पूरी, और अब हम निकल रहे हैं गाड़ी की तरफ। सो गाइस आधा रास्ता हमारा कट चुका है, मतलब पैदल जो 1 किलोमीटर का रास्ता था, ये मुझे तो नहीं लगता कि 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा ही लग रहा है। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा और है, थोड़ा सा भी क्या हालत तो ख़राब ही हो रही है, क्या है गर्मी में, तो मुझे नहीं लगता ये अपनी इनकी पर्सनल टैक्सियाँ जा रही हैं अंदर, वो भी कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएंगी, कि 15 अगस्त के बाद अगर कोई ऐसे बुक करके ले जाएगा तो जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल यहाँ कोई मेला लगने वाला है, तो ये मेले की वजह से यहाँ अंदर ना अपनी पर्सनल गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं, ना कोई टैक्सी वगैरह जाने दे रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही चले फिलहाल। अब हमारा आज ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम इतने थक गए हैं कि अब हम ऋषिकेश जा पाएंगे, पर बाई चांस अगर गए तो आपको दिखा दूँगी मैं सारा। और अभी फ़िलहाल हम सीधा गाड़ी की तरफ को फटाफट भाग रहे ताकि धूप कम हो जाए,